हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्लर में ब्राइडल को कौन सा बेस मेकअप किया जाता है जिससे उनका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखता है। और जो आज हम बेस रेडी करेंगे वो बिल्कुल वाटरप्रूफ होगा और उसका मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी, और साथ में पार्लर में कौन सी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं जिससे मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। चाहे आपको कितनी भी स्वेटिंग हो, आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और साथ में जो बेस हम रेडी करेंगे वो सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट होगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूँगी क्रीम की डिब्बी और इसके अंदर मैं फिटमी का फाउंडेशन, यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप डाली है और क्वांटिटी आप देख लेना कि कितनी क्वांटिटी इसकी यूज़ करनी है। और साथ में 1 ड्रॉप यहाँ पे मैं ले लूँगी बीबी क्रीम। अगर आपके पास सीसी क्रीम है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक ही ड्रॉप इसकी डालनी है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, ये देख लीजिए। और अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही इतना ही प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है और पार्लर में भी बेस को रेडी करके ही ब्राइडल को लगाया जाता है। और उसके बाद क्या करना है, आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ बिल्कुल थोड़ा करना है क्योंकि समर का टाइम है, तो क्वांटिटी आप देख लीजिए बिल्कुल कम होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र भी बिल्कुल थोड़ा लेना है। उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, इसकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। और पार्लर में भी जो है वो जब भी ब्राइडल को रेडी करना होता है तो उससे 3 से 4 घंटे पहले अच्छे से बेस को रेडी किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी कंसीलर। आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड यूज़ कीजिए, अगर स्टिक वाला है तो स्टिक में से थोड़ी सी क्वांटिटी आपने निकालनी है, थोड़ा सा ऊपर से आपने प्रोडक्ट को निकाल लेना है और बस इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, प्राइमर लेना है और प्राइमर की भी 1 ही ड्रॉप आपने यूज़ करनी है, ये देख लीजिए इस तरह से। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि वो मेन होता है जो पार्लर वाले यूज़ करते हैं। इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। और उसके बाद क्या करना है, हाइलाइटर, अगर आपके पास हाइलाइटर लिक्विड है तो आप लिक्विड यूज़ कीजिए, अगर आपके पास पाउडरी फॉर्म है तो पाउडरी फॉर्म में, मेरे पास पाउडरी था तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर से भी बहुत शाइन आ जाती है फेस पे। और जितना भी आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आपने बिल्कुल थोड़ी लेनी है। उसके बाद क्या करना है, हमने कॉम्पैक्ट लेना है, लेकिन कॉम्पैक्ट की जो क्वांटिटी है वो और प्रोडक्ट से ज़्यादा रखनी है क्योंकि हम ये समर में बना रहे हैं और समर में क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है उतना ज़्यादा मेकअप काला पड़ता है, लेकिन इसको हम काला नहीं पड़ने देंगे, इसके अंदर और भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर या तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए या फिर अगर आपके पास बादाम तेल है तो बादाम तेल का यूज़ कीजिए। बस आपने सिर्फ 2 ड्रॉप लेनी है और इसको इसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हो उसकी मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी ओलिविया का पैनकेक। ये सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो पार्लर वाले यूज़ करते हैं अपने बेस को बहुत अच्छा ग्लोइंग बनाने के लिए। तो सभी पार्लर वाले इस पैनकेक का ही यूज़ करते हैं अपने बेस को बनाने के लिए। और जब भी उन्होंने ब्राइडल के ऊपर या फिर कस्टमर के ऊपर बेस मेकअप करना होता है तो ऑलरेडी बेस को बना के रख लेते हैं। तो जितने मैं इसको मिक्स करती हूँ उतने में आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए। और अब आप देख सकते हो कि हमारा बेस यहाँ पे रेडी हो रहा है और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे। और जब मैंने अपना ये बेस रेडी किया था तो मुझे मतलब आधा घंटा इस बेस को रेडी करने में लगा था क्योंकि इसकी मिक्सिंग मैंने बहुत अच्छे से की। किसी भी पार्टी फंक्शन में जाना हो ना, आप अपना बेस रेडी कर लीजिए, आपको बहुत कम टाइम लगेगा अपना मेकअप करने के लिए और इतना अच्छा आपका मेकअप होगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इतना अच्छा मेकअप कैसे किया है और इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। और जब आपका बेस रेडी होगा ना तो आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे अपना मेकअप करने में। तो पहले क्या करना है, बस आपने सेटिंग स्प्रे लेनी है, इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना
और उसके बाद जो हमने यहाँ पे बेस रेडी किया है और इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसी तरह से आपने किसी ब्रश के साथ लगा लीजिए या फिर आप हाथ के साथ भी इसे लगा सकते हो। बस इस तरह से आपने इसे अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसे ब्लेंड अच्छे से करना है। और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इसके साथ इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देख लीजिए 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको ब्लेंड करने में, और उसके बाद जो आपका मेकअप होगा बहुत अच्छा आपका बेस रेडी हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपने लेना है कॉम्पैक्ट और इसको अपने अच्छे से लगा लेना है और यहाँ पे हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो जाता है। और अब आप देख सकते हो आपके सामने है कि कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। इसी तरह से आप कर सकते हो और आप डिफरेंस देख सकते हो मेरी स्किन में, जो मेरी बाजू की स्किन है और जो मेरे हाथ की स्किन है, आप उसमें नोटिस कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और पार्लर वाले भी जो है वो इसी तरह से बेस बनाते हैं और साथ में पार्लर में कस्टमाइज बेस मिलता है, लेकिन वो टू मच कॉस्टली होता है। लेकिन आप इसे खुद से बना सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप बना सकते हो। और अब मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो भी आपका मेकअप बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी जो है वो पानी डाल रही हूँ अपने हाथ के ऊपर, बिल्कुल भी बेस निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी मेकअप नहीं निकलेगा, आपका एज इट इज़ रहेगा। और अभी मैं आपको स्मंच करके भी दिखाऊंगी कि तब भी मेकअप बिल्कुल नहीं निकलेगा, आपका एज इट इज़ ये बेस रहेगा। और साथ में आपका पूरा दिन ना ही मेकअप काला पड़ेगा, ना ही केकी लगेगा और ना ही क्रैक्ट होगा। और साथ में आप बेस मेकअप को बना के रख भी सकती हो और साथ में ट्रैवलिंग के लिए भी ले जा सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।